नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीवाई एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे गज केसरी योग के बारे में। गज केसरी योग का आपने बहुत सुना होगा, सारे ज्योतिषी इसका बखान करते हैं और ये बहुत चर्चित योग है। और इसके बारे में अगर कहा जाए तो ये एक धनवान योग है जो अपने मतलब उच्च लेवल को दर्शाता है, यानी कि ये राजनेताओं में होता है, बड़े बड़े एमएलए मंत्रियों और अभिनेताओं में ही होता है गज केसरी योग। तो गज केसरी योग बहुत ही चर्चित योग है और जो भी ज्योतिष में थोड़ी बहुत रुचि रखता है, जो ज्योतिष की जानकारी रखता है, तो उन सबको पता है कि गज केसरी योग जो है वो गुरु और चंद्रमा की युति से बनता है और सम सप्तक दृष्टि से भी बनता है। और गुरु पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो, चंद्रमा पंचम में हो या नवम में हो, त्रिकोण में हो, तब भी ये योग बन जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको गज केसरी योग के को फलित करने का तरीका बताऊंगा कि गज केसरी योग रिजल्ट कैसे देता है और हम उसको रिजल्ट कैसे निकाल लेते हैं। तो गज केसरी योग के बारे में सभी बताते हैं कि गज केसरी योग क्या होता है, कैसे बनता है, किन कुंडलियों में बनता है, किन में नहीं बनता है। ये सारे जातक है जो ज्योतिष की रुचि रखते हैं वो सब समझ गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि वृष लग्न की कुंडली में गज केसरी योग नहीं बनता, क्योंकि वृष लग्न की कुंडली में गुरु महाराज की धनु राशि जो है वो अष्टमेश होती है और मिथुन लग्न की कुंडली जो है हम आपके सामने है, ये मिथुन लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पे गज केसरी योग बनता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो धनेश है और गुरु है वो सप्तमेश भी है और दशमेश भी है, तो यहाँ पे गज केसरी योग बनता है। तो अब सबसे जो रोचक बात है कि ज्यादातर हम ज्योतिषियों ने देखा है कि गज केसरी योग बन जाता है लेकिन जातक को रिजल्ट नहीं मिलता, और ज्यादातर जातक गज केसरी योग को लेके घूमता रहता है लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका महत्व क्या है या ये कैसे हम इसको प्रेडिक्ट करें और कैसे ये हमें फायदा देगा। तो गज केसरी जो योग है उसको प्रेडिक्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आपने अभी तक जितने भी वीडियो देखे होंगे आपने सिर्फ गज केसरी योग को देखा होगा, फलित करने का तरीका नहीं देखा होगा। तो मैं आपको आज एक फलित करने का तरीका दिखाता हूँ गज केसरी। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जातक की उम्र कितनी है, यानी कि जातक जो है वो जीवन के किस पड़ाव में है। अगर मान लीजिए किसी जातक की कुंडली आई और उसमें गज केसरी योग है लेकिन उसकी उम्र 55 साल है, तो वो गवर्नमेंट नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता, वो ऊंचा लेवल का तगे पे नौकरी नहीं ले सकता। हाँ, वो अपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है, लेकिन वो भी देखना पड़ता है कि वो पॉलिटिक करता है या नहीं करता है। तो ये सब जो चीजें हैं वो हमें देखनी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले उसकी एज देखनी पड़ेगी कि वो उसकी उम्र कितनी है। तो हमने ये जो कुंडली ली है आप देख रहे हैं 25 जुलाई 1993 और 3:38, तो यानी कि 1993 यानी कि 93 से 2016 अभी 2016 चल रहा है, तो इसकी उम्र होनी चाहिए 23 वर्ष होनी चाहिए। तो 23 वर्ष की जो उम्र है उसमें जातक किस पड़ाव पे होता है, तो 23 वर्ष जो होता है इसमें जातक शादी के लिए तैयार होता है कि उसकी शादी उस समय उसकी शादी भी हो सकती है, और वो एजुकेशन में हायर डिग्री हायर डिप्लोमा के एजुकेशन में एजुकेशन ले सकता है और वो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर सकता है, वो किसी कंपनी को में उच्च स्तर की जॉब भी प्राप्त कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर सकता है और व्यापार को भी स्टार्ट कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है, यानी कि 23 साल की उम्र में वो व्यक्ति कई पड़ावों पे होता है, तो अब उसको किस पड़ाव का फायदा मिलेगा, यानी कि वो किस पड़ाव में जाएगा। तो अब हमें देखना है कि उसकी दशा कौन सी है, यानी कि उसकी महादशा कौन सी चल रही है। तो हमें सबसे पहले उसकी विंशोत्तरी दशा में ये देखना है उसकी दशा कौन सी। तो उसकी जो दशा है वो है राहु की दशा। तो राहु किस चीज को सिग्निफाई करता है, राहु जो है वो बिजनेस को सिग्निफाई करते हैं। राहु
जो है वो असामाजिक बिजनेस को ज्यादातर सिग्निफाई करता है। असामाजिक बिजनेस मान लीजिए कि जैसे शराब का ठेका हुआ या जुए सट्टे का काम हुआ, जरूरी नहीं है कि सबके यही हो, लेकिन ज्यादातर जो राहु के लिए माना गया है कि राहु जो है, राहु और केतु जो दोनों हैं वो असामाजिक कार्यों में ही मिलेंगे, क्योंकि कुंडली में 7 ग्रह हैं जिन्हीं को कुंडली में जगह मिली है। ये जो दोनों ग्रह हैं राहु और केतु, इनको कुंडली से बाहर करा हुआ है, यानी कि इनको कुंडली में कोई भी घर और कोई भी मतलब राशि नहीं दी गई है, तो इसीलिए ये दोनों जो है वो असामाजिक कार्यों में ही ज्यादा लिप्त दिखेंगे। तो गुरु जो है वो, राहु जो है वो इस तरह के कार्यों में रुचि ज्यादा करेगा। तो राहु दशम घर का कारक ग्रह है, यानी कि व्यापार का जो घर है, ये जो दशम ग्रह है वो हमारे व्यापार का, जो हमारे कर्म का होता है। राहु जो है वो दशम घर का कारक ग्रह है, यानी कि राहु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि राहु के अंदर किसका अंतरा। अब तो राहु का रिजल्ट निकालना हमारे लिए जरूरी हो गया कि राहु क्या रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे आप राहु के रिजल्ट निकाल सकते हैं। राहु जो है वो सस्टेस है, तो राहु नौकरी को सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे, यानी कि छठे घर में है तो नौकरी को सिग्निफाई कर रहा है। तो अब हमें किस तरह की नौकरी करनी चाहिए या नौकरी में हमें कब सफलता मिलेगी, तो हमें फिर राहु के अंदर अंतरा देखना चाहिए कि अभी जो वर्तमान में क्या अंतरा चल रहा है। हमेशा वर्तमान की ज्योतिष करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में अगर हमारे पास ज्योतिष का जो गणना है वो अगर सही है तो फ्यूचर की गणना बहुत ही अच्छी होगी। तो अभी जैसे कि राहु के दशा में अंतरा चल रहा है हमारे चंद्रमा का, क्योंकि 1/12/2016 यानी कि दिसंबर अभी लगा है, तो 1/12/2016 से 2/6/2018 यानी कि ये लगभग दो मतलब 1.25 साल का अंतरा है चंद्रमा का, बहुत बड़ा अंतरा है। तो इस पीरियड में चंद्रमा में उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो यानी कि गुरु यानी कि राहु के अंदर चंद्रमा का जब अंतरा आएगा तो उन्हें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, यानी कि अभी चंद्रमा का अंतरा चल रहा है तो हमें अच्छी। अब मैंने चंद्रमा को ही क्यों लिया, क्योंकि गुरु जो गज केसरी योग है वो गुरु और चंद्रमा से बनता है। कोई भी प्लेनेट चाहे कोई भी हो, गुरु हो, चंद्रमा हो, राहु हो, केतु हो, या कोई भी योग हो, कोई भी दोष हो, सभी अपनी उनकी एक लिमिटेशन होती है। कि गज केसरी योग में गुरु और चंद्रमा, गज केसरी योग जो रिजल्ट देगा वो गुरु और चंद्रमा के दशा अंतर दशा में ही देगा, यानी कि गज केसरी योग या तो चंद्रमा की दशा अंतर दशा में देगा या गुरु की अंतर दशा या महादशा में देगा। तो आप हमेशा देखिए, ये नहीं है कि गज केसरी योग मंगल की अंतर दशा में रिजल्ट दिया है, नहीं, गज केसरी योग जो है वो गुरु और चंद्रमा की ही दशा में रिजल्ट देगा। जो लोग ये चीज को नहीं मानते हैं वो लोगों के पास कई उदाहरण हैं और लोगों ने देखे हैं। मैंने काफी एक्सपीरियंस से ये बात कही है, मैंने काफी लोगों को देखा है कि उनके कई बार समय तो आता है उनके जीवन में, योग भी होता है, लेकिन दशा नहीं आती तो उनको वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। और कुछ लोग क्या करते हैं कि दशा नहीं मिल रही है तो फिर वो गुरु का पुखराज या चंद्रमा का मोती पहन के उस जो पावर है, जो गज केसरी योग की पावर है, उसको अब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं और कई बार सफल भी हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसान को सफल होना ही चाहिए, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन गुरु और चंद्रमा के जो रिजल्ट है वो उनकी ही दशा अंतर दशा में ही मिलेंगे। तो राहु का जो पीरियड है आप ये देख सकते हैं विंशोत्तरी दशा में, कि यानी कि राहु की में अगर शनि आया, बुध आया, केतु आया, शुक्र आया, सूर्य आया, तो यहाँ पे इसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, यानी कि जो गज केसरी योग के रिजल्ट है वो इनमें कम मिलेंगे। लेकिन जैसे ही चंद्रमा आएगा तो गज केसरी योग के रिजल्ट है वो निखर के आएंगे और बहुत ही अच्छी तरह निखर के आएंगे, तो उसमें हमें गज केसरी योग के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अगर राहु जो है वो नौकरी को सिग्निफाई कर रहा है, यानी कि छठे घर को सिग्निफाई कर रहा है, तो हमें चंद्रमा की अंतरदशा में हमें अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। फिर क्या होगा, अगर हमें गवर्नमेंट सेक्टर की हम ट्राई कर रहे हैं तो उसमें सूर्य और मंगल की स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूर्य यहाँ पे धनेश है और मंगल जो है वो भी अच्छी जगह प्लेसमेंट है,
तो हमें गवर्नमेंट नौकरी भी मिल सकती है। तो ये उसको गज केसरी योग को फलित करने का तरीका है। ये तरीका आपने काफी ज्योतिषों से देखा होगा, लेकिन मैंने ये काफी कुंडलियों पे अप्लाई करा है और इसमें बहुत सटीकता देखी है, तब मैंने जाके ये वीडियो बनाया है। तो आप भी ये सीख सकते हैं ऐसा। और ये जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं इसमें ज्योतिष से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई तो आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया है इसमें मैंने जो गणना का तरीका बताया है ये मेरा स्वयं का है, क्योंकि मैंने ये जो एक्सपीरियंस से सीखा है। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगा हो या इसमें कोई गलती लगी हो तो सुधार के लिए कमेंट जरूर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना अनमोल समय दिया।